हेलो फ्रेंड्स, मीरास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन मसाला करी, जो कि थोड़ा स्पाइसी और बहुत टेस्टी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है सरसों 1 टेबलस्पून, क्लीन किया हुआ छोटे टुकड़े अदरक, जीरा 1 टेबलस्पून, लहसुन की कलियाँ 15 से 17, पोस्तो 1 टेबलस्पून, हरे मिर्च 2, बारीकी से कटा हुआ प्याज 2, 1/2 किलो बैंगन को कुछ इसी तरह कट करके रखी हूँ, कुछ करी पत्ता, टमाटर 1 और इमली 3। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेके उसमें सारे मसाले, कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल के ग्राइंडिंग करके हमारे मसाले रेडी कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे मसाला रेडी हो गया है। उसके बाद चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डाल के थोड़ा गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद कटा हुआ बैंगन डाल के अच्छे से मिला देंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रख के ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी 2 मिनट हो गया है, ढक्कन निकाल के देखेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे। अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिल गया है। अभी फिर से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया है, अभी ढक्कन निकाल के देखेंगे। देखिए, अच्छे से पक गए हैं। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल के गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद करी पत्ता ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल के अच्छे से मिला देंगे और मसाला अच्छे से पकने तक फ्राई करते रहेंगे। अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के मिलाएंगे। उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे और हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून डाल के अच्छे से मिला देंगे। बैंगन मसाला करी एक बार घर में बना के देखिए और कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मसाला को इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। और अभी इसमें कटा हुआ 1 टमाटर ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रखें कि इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम में रखने से नीचे लग जाएंगे और लो फ्लेम में रखेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रहने का बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचते रहें। देखिए, यहाँ पर हमारे मसाला अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी फ्राई किया हुआ बैंगन को इसमें ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद ढक्कन
लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया है, अभी ढक्कन निकाल के देखेंगे और इसको थोड़ा मिला देंगे। उसके बाद 1/2 कप इमली का रस डाल के अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद आपको कितने ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल के अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पकने के लिए ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी 2 मिनट हो गया है, अभी ढक्कन निकाल के देखेंगे और अभी इसको थोड़ा मिला देंगे। यहाँ पर हमारे रेडी हो गए हैं बैंगन मसाला करी। अभी इसको एक बाउल में निकाल देंगे। ये चावल या रोटी के साथ खाने में अच्छे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।